तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारे पास आया है सैमसंग का A04F और G4A, दोनों एक ही मॉडल हैं। तो उससे हम अनलॉक टूल से हमने ट्राई किया, अनलॉक टूल से नहीं हो रहा है और ये फ्री लोडर बना के बंद हो रहा है। फिर हमारे पास न्यू टूल है एंड्रॉयड मल्टी टूल, जो कि हम इससे एफ आर पी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने ईमेल आईडी और जी यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन होता है। ये हमने ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर दिया। अब हमें करना है सैमसंग का FRP। यहाँ पे हम सैमसंग सर्च करेंगे। सैमसंग सर्च करने के बाद यहाँ पे हम इसका मॉडल सर्च करेंगे जो सा हमें FRP करना है। देख सकते हो ये आप लोग, हमने ये मॉडल सर्च किया और जी हम यहाँ क्लिक करेंगे रीसेट FRP। रीसेट FRP करने वाली आपको ये सिंबल नजर आएगा। यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद मोबाइल को हम स्विच ऑफ करेंगे। जैसे कि हमने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करने के बाद हम माइनस प्लस के बटन दबाएंगे और जी USB कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इस मोबाइल में कोड वर्किंग नहीं है, जो कि ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन बहुत चार्ज लेते हैं। हम यहाँ पे अब माइनस प्लस से कनेक्ट कर दिया। ये देख सकते हो हमारा ये FRP डन हो चुका। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जीने टूल परचेज करना चाहते हो, हमारा नंबर पर संपर्क करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।